चलो पकड़ो भगवती इसको। नाम क्या है गुड़िया का? रितु। रितु चल बैठियो। पीरों की गद्दी पे इलाज कराया तूने? यहाँ तो पीर आगे खड़े हो रखे हैं, पीर भी खड़े हो रखे, बालाजी भी खड़े हो रखे, कहीं तूने चादरें भी चढ़ा रखे पीरों पे भाई। जो माता को मना रखे, पातरीवाड़ी माता भी आ रही है, दूधनी माता भी आ रही है, बावरी भी आ रही है, यहाँ तो मना तो ने सारे रखे। आवाज मत करो यहाँ। माता साथ चल रही है, पुनट में चल रही है, यहाँ पर पातरीवाड़ी के साथ मदानना दोनों जोड़े में है। कहाँ इलाज कराया था पहले? पहले देखो हमने कराया था राजपुर गढ़ी, वहाँ से भी आराम नहीं आया। फिर मुल्ला जी को कराया था, मतलब जो जो बताते गए वही दिखाते रहे। पंजाबी, पंजाब और यहाँ तुम्हारे का नाम गुड़गांव बादशाहपुर वाले जी हमें वहाँ ले बालाजी तक भी ले गए, भी आराम आ जाएगा, वहाँ भी आराम नहीं आया। सबसे पहले तो माने बता दे, मैं बोल रहा बालाजी पीर की आ रखी है बात। यहाँ यहाँ माता पुनट में चले, यहाँ तो मदानन का खेल है सारा, यहाँ मदानन का चल रहा है, कालेज में बैठे हो चीज। बस ये बड़ा रोक दे, समझ में आए? हाथों पैरों को जकड़ रखा है, कालेज में बैठ रखी है और इसके सारे पूरे शरीर में बैठी हुई है, रमी हुई है इसके शरीर के अंदर, और पुनट में चली हुई है और भेजी हुई है। यही नहीं पता लग पा रही है माता मदानन जो अभी माता को सींच देगी, सवा महीने जल चढ़ाना है माता पे मदानन पे, वहां बता देगी तेरे को। कोई किसी से पूछ ले कि माता मदानन का थान कौन सा है, बेटा पर्दा खींच रहा है। माता मदानन को सींचो सवा महीने, और हर शनिवार अपने ऊपर से वार के कुत्ते को भोग दो हलवे का, ठीक हो जाएगी, जा नो पर नो हो जाएगी, बहुत ही लगाओ खाओ। और माता आएगी इसके शरीर में ही बता दूं मैं, जैसी जात जाती है।